नमस्कार साथियों, आज हम आपके साथ लेकर आए हैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय का रिलेटेड कुछ TGT PGT की वैकेंसी इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं। साथियों, एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 12 जुलाई 2024 शाम को 5 बजे तक है, और एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद हार्ड कॉपी भी आप लोगों को बाई पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा, जो कि 17 जुलाई के पहले पहुंचना चाहिए। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज पेड होगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एंड अदर पोस्ट के लिए 500। बात करते हैं साथियों हम लोग ग्रुप ए जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट आती है, और ग्रुप बी की जिसमें PGT TGT एंड PRT की पोस्ट आती है। इसमें आपकी सैलरी पे इन पे मैट्रिक्स भी गिवन है। पोस्ट कोड देखते हैं, प्रिंसिपल का 3 पोस्ट है एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की जो वैकेंसियां हैं वो आप देख सकते हैं साथियों। हिंदी में ST कॉस्ट के लिए 1 वैकेंसी है एंड इंग्लिश में जनरल कॉस्ट के लिए 1 है, मैथमेटिक्स में OBC के लिए 1 है, इकोनॉमिक्स में जनरल के लिए है, साइकोलॉजी में 1 है, हिस्ट्री में 1 है एंड दर्शन में भी 1 है। फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट OBC के लिए है एंड फिजिक्स में 1 पोस्ट है आपका SC कॉस्ट के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में ऐसे ही TGT में आप देख सकते हैं टोटल 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 4 पोस्ट है, ऐसे आपकी ये पोस्ट है। प्राइमरी टीचर की टोटल आपकी जो वैकेंसियाँ हैं 7 पोस्ट है। तो साथियों, ये फॉर्म आप लोग अभी चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत ही कम हैं। तो 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी है, अगर आपका मन है तो आप फिलअप करिए, अदरवाइज इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट अगर आप फिलअप करते हैं तो आप अपने आप को ये चेक कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल का क्वालिफ़िकेशन ये देख सकते हैं, एकेडमिक मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एंड PGT के लिए जैसा कि कुल होता है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स आर रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट। PGT इंग्लिश हो, PGT हिंदी हो, PGT मैथ्स हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए PGT के लिए जो भी आपको करना है। साथ में PGT फिजिकल एजुकेशन का भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MPED। TGT के लिए आप देख सकते हैं आपका BEd होना चाहिए, BEd के साथ आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए, ये देख सकते हैं लास्ट में पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET एंड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से कैसे भी हो, हिंदी एंड संस्कृत में भी कुछ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। TGT म्यूजिक की भी पोस्ट है, TGT फिजिकल एजुकेशन की भी पोस्ट है, जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एंड विल बी रिजेक्टेड, तो ये ध्यान देंगे कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी आपसे रिलेटेड डेटा इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आप सेम वैसे ही होता है जैसे कि अदर पोस्ट के लिए होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मेनली था कि हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकें कि TGT PGT एंड प्रिंसिपल पोस्ट के लिए BHU ने बहुत ही बड़ा कदम उठा दिया है कि 5 साल से कहीं वैकेंसी नहीं आ रही थी तो उन्होंने 47 पोस्ट दिया है, जिसमें पूरी ऑल इंडिया के कैंडिडेट अपने आप को जाके चेक करें और एक दूसरे से अपना कंपटीशन करें, अपने आप में कंपटीशन करें। 47 पोस्ट मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, इंडिया जैसे कंट्री में 47 पोस्ट BHU ने दिया है, तो इसको फिलअप करना चाहिए सबको और फिलअप करके भेजना भी चाहिए। थैंक यू।